Good evening everyone, welcome back to our channel and hope you all are doing well. और ये शाम का वक्त है, पूजा पाठ हो चुका है और आप लोग, बहुत लोगों का सवाल था कि दी आप दर्शन नहीं कराते हैं, तो मैंने आज मंदिर भी मतलब बैक टू बैक दो तीन ब्लॉग में मंदिर दर्शन करा दे रही हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे मेरी बन रही है चाय पूजा करने के बाद, और मैं ना आसमान का हालत आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए, पूरा बादल घेरा हुआ है, दोपहर भर बारिश हुआ है, अभी थोड़ा बहुत बारिश रुका है, तो मैं सोची कि चलो डिशवॉशर मैं ऑन कर दूं, क्योंकि थोड़ी सी बारिश उस समय दोपहर को जो बारिश हो रही थी ना, बिजली कड़क रही थी, तो मैंने डर से डिशवॉशर नहीं चलाया, तो अभी मैं चला रही हूँ कि कब बारिश स्टार्ट हो जाए पता नहीं। तो मेरा ना लिक्विड भी खत्म हो गया था एक्चुअली, तो वो इंडिकेट कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो लिक्विड भी डाल देती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं रिफिल कर रही हूँ रिंस एड, तो ये रिफिल कर देने के बाद, मतलब डिशवॉशर में क्या होता है ना, कुछ चीज़ ख़त्म हो जाए तो वो साथ ही साथ इंडिकेट कर देता है, उसका रेड लाइट ऑन हो जाता है। तो चलिए, ये मेरा फिल हो गया, अब डिशवॉशर में ऑन कर दूंगी, और डिशवॉशर ऑन कर दूंगी तो बस मेरा काम, एक काम ख़त्म होगा। ये ना बड़ा टेंशन रहता है बर्तन धोने का मेरा, तो चलिए ये तो मेरा हो गया, डिशवॉशर मैंने ऑन कर दिया, और कुछ बर्तन पड़े हुए हैं मेरा, क्योंकि ये प्लास्टिक का बर्तन है, ये डिशवॉशर फ्रेंडली बर्तन नहीं है जी, तो ये डिशवॉशर में नहीं जाएगा, इसको तो मैं हाथ ही से धो लूँगी, और झूठे बर्तन पड़ा रहे ना तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन दोपहर को मैं ना आज नहीं इसको धो सकी, क्योंकि इतनी ज़्यादा और इतनी तेज बारिश हो रही थी ना, किचन में खड़ा होने में भी मुझे डर लग रहा था, क्योंकि अब तो देखिए ये खिड़की के बाहर आसमान जैसे दिखता है, तो मैं कुछ नहीं की, सीधा रूम में जाके बैठी हुई थी, इतना तेज बारिश हो रही थी आज। तो मैंने शाम को ही सोचा कि चलो ये सारा काम मैं कर लूँ, और कपड़े भी फैलाना मेरा बाकी है, तो वो सारे चीज़ मैं करूँगी, क्योंकि कपड़ा सारा मतलब रखा हुआ है वैसे ही, और कल मैं ऊपर में कपड़ा जो डाली थी वो कपड़ा वैसे का वैसे ही रह गया है, क्योंकि बारिश के वजह से ना इतना जल्दी कपड़े भी नहीं सूख रहे। तो चलिए ये सारे बर्तन मैं हाथ से धो लूँगी, थोड़ा सा साफ भी हो जाएगा, और किचन भी थोड़ा सा मैं क्लीन कर लूँगी, फिर बाकी कामों में मैं हाथ दूँगी। हम हाउसवाइफ्स का है क्या कि एक काम लिपट जाए तो दूसरा काम मैं स्टार्ट करूँ, जितना जल्दी हो सके हम लोग कोशिश करते हैं कि सारे काम लिपट जाए, लेकिन लिपटते नहीं है जी, काम रह ही जाता है एक एक करके। हे एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल, एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपको लाइट थोड़ी सी कम लग सकती है, क्योंकि मैं ना यहाँ पे डिम लाइट मैं जला के बैठी हूँ, बड़ा लाइट खराब हो चुका है पता नहीं किस लिए, लेकिन मैं यहाँ से ब्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ आज। आज इतनी अच्छी वेदर है, इतनी अच्छी वेदर है कि अभी 5:30 हो रहा है, एकदम अंधेरा सा छा गया है, और बहुत अच्छी बारिश हो रही है आज, मुझे बहुत पसंद है यार। मतलब देखो, कोई भी हाउसवाइफ को मुझे लगता है कि गर्मी का दिन में खरा खरा किचन में काम करने से, बारिश हो ठंडी हो मौसम, तो काम करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। देखिए, आप लोग बहुत सारे लोग होंगे जिसको गर्मी का मौसम पसंद है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली बोल रही हूँ उन हाउसवाइफ्स को जिनको पूरे दिन किचन में काम करने पड़ते हैं, घर का काम करने पड़ते हैं, लाइक मी, जैसे मैं कोई हाउस हेल्प नहीं रखती हूँ, काम करती हूँ, अच्छा लगता है घर का काम करने में, लेकिन कभी कभी ना इतनी गर्मी में इरिटेशन भी हो रही थी मुझे, भाई साहब कब गर्मी करने की। एनीवेज, तो गर्मी तो अभी है, लेकिन बारिश हो रही है तो अच्छी लग रही है एक्चुअली। उनको कल कपड़ा डाली थी रात को, जो आज कल पूरा रात सूखा है, आज पूरा दिन सूखने के बाद अभी भी थोड़ा बहुत कपड़े गीला है, लेकिन उस तरह का नहीं है, प्रेस चला दूंगी तो बस सूख जाएंगे, और कुछ कपड़े बल्टी में यहाँ पे रखा हुआ है जो मैं डालने वाली हूँ। तो आज मैंने ना कपड़ा नहीं धोए, कैसे धोती, कल जो कपड़ा मैं धोई थी पूरा भर गया था मेरा, और उसके बाद वो सारे कपड़े सूखेंगे, फिर आज सुबह में मैं धो देती तो क्या होता, वही पड़े के पड़े रह जाते, क्योंकि आधा बल्टी तो मेरा कपड़ा ऑलरेडी पड़ा हुआ था, उतना ज्यादा जगह है भी नहीं। तो मैं इसलिए सोची कि छोड़ो यार, आज कपड़ा नहीं धोती हूँ, लेकिन पता है नहीं धोई, एक बल्टी नीचे फिर हो गया है, भर गया है मेरा,
कल सुबह में या फिर आज तो होगा नहीं क्योंकि जो कपड़े हैं यहाँ पे वो मैं डालूंगी, तो कल ही मैं शाम को एक बार मशीन चलाऊंगी। बारिश में सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है कि हम हाउसर्स का कि कपड़े नहीं सूखते यार, लेकिन बाकी सब तो ठीक है, मस्त है जी, चंगा है जी एकदम। एनीवेज मैं अभी जाऊं काम पे लगूं। हाँ, और एक बात, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग किसी भी पॉइंट पे अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल में नए हो तो डू सब्सक्राइब माय ब्लॉग। तो चलिए अभी मैं ज्यादा बात नहीं करती हूँ, मैं काम पे लगती हूँ, बहुत सारा काम है यार। चलिए देखिए, बारिश तो ऑलरेडी हो रहा है बहुत तेज, और मैं यहाँ पे जो कल का कपड़ा सूखे हुए थे तो उसको निकाल रही हूँ। ये पूरी तरह से सूखा हुआ नहीं है, इसके ऊपर ना थोड़ा सा प्रेस चलाने पड़ेगा, तब जाके हो सकता है कि सूख जाए, और हवा में भी थोड़ा सा फैलाना पड़ेगा। और मैं दूसरा कपड़ा जो कल ही मैं जो मैं धोई थी वो सारे कपड़ा ना रह गया, तो चलो उसको भी लगे हाथ यहाँ पे फैला दूँ। एटलीस्ट मेरा कुछ कपड़ा तो यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, ये सूखने में 2-3 दिन एटलीस्ट तो टाइम लगेगा अगर बारिश इस तरह से होती रही तो। हम हाउसवाइफ्स का ना एक ही चीज है कि आप कपड़े नहीं सूखते यार, ये छोड़ के ना, एक्चुअली मेरा है ये छोड़ के सारे ठीक है। तो चलिए मैं चलती हूँ नीचे, मेरा ये काम तो लिपट चुका है, और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे क्योंकि मैं के लिए और बाकी सबके लिए थोड़ा सा स्नैक प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा ऑनियन कट कर रही हूँ क्योंकि मैं को ना रोल खाने का मन हो गया है। तो मेरा लेफ्ट ओवर रोटी था, तो रोटी रख दी थी मैं, लेफ्ट ओवर हो गया था, कोई खाया नहीं था, तो वो रोटी मेरे पास अवेलेबल था, तो मैंने सोची कि चलो वो रोटी से कुछ बना देती हूँ। लेफ्ट ओवर रोटी ना मैं कभी वेस्ट नहीं जाने देती हूँ, मैं ना हमेशा उससे कुछ ना कुछ मैं बना देती हूँ, ताकि बच्चे भी खुश, मम्मी भी खुश, हम लोग भी एक्चुअली खा लेते हैं लेफ्ट ओवर रोटी। इस तरह से मैंने एक अंडा डाला और उसके ऊपर रोटी, जो स्ट्रीट स्टाइल रोल नहीं मिलता है तो रोल टाइप्स बना लिया। एक्चुअली मेरे लिए भी मैं यही बनाने वाली हूँ, अभी शेखर जी तो ये खाएंगे नहीं, तो वो बोले थोड़ा सा मुरमुरे बना देने, जो स्ट्रीट स्टाइल होता है वो बना देने, और मम्मी के लिए देखती हूँ, मम्मी जो खाएगी वो ही वाला बना दूंगी। तो 2 रोटी का तो यूज़ हो गया और 2 रोटी रह जाएगा, तो रात को हो जाएगा कुछ ना कुछ इंतजाम। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना खीरा काट लिया था, कट कर लिया था, और थोड़ा सा ऑनियन कट कर लिया था, तो वो सारे इसके अंदर मैं डाल दूंगी। और उसके साथ ना जैसे होता है कि ऑनियन और खीरा का स्टफिंग देके उसके साथ ना टमाटो केचप डाल दूंगी। सिंपल सा है और लेकिन खाने में यम्मी लगता है, मैं भी बहुत पसंद करती हूँ ये वाला खाना। और ये किसान का जो टमाटो केचप होता है ना, वो घर में आया हुआ था, मतलब घर में रहता ही है, सब केचप का बड़ा फ़ैन है ये, वो मैं बनाते रहती हूँ, उसके साथ ये लोग केचप बड़ा फ़ैन है। तो एनीवेज चलो इसको मैं ऐसे रोल टाइप का बना दूंगी, तो रोटी रोल बन के रेडी हो जाएगा। तो बस बच्चों को ना टिफिन में, अगर आप एक ईटर हो ना तो बच्चों को ना टिफिन में भी ये दे सकते हो आप, बहुत कन्वीनियंट है, खा लेता है बच्चा। तो चलो मैं मैंग को दे के आई हूँ वो वाला, और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ सबके लिए मुरमुरे। मैं अपने लिए बाद में बना लूँगी, मैं नहीं खाने का मन कर रहा है, मैं टोस्ट खा लूँगी या कुछ खा लूँगी, देखती हूँ। पहले इन लोग के लिए, सबके लिए मुरमुरे बना दूँ, मम्मी है, दादा है, शेखर जी है, और बारिश का मौसम में ये लोग मुरमुरे के साथ चाय लेना ही पसंद करते हैं। तो मैंने खीरा, टमाटर तो मैंने नहीं कट किया था, खीरा, प्याज और हरी मिर्च कट करके रखी थी, और थोड़ा सा ये ऐसे बन गया मुरमुरे, ये देखिए। इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दूंगी, बस हो जाएगा मेरा मुरमुरे रेडी हो गया, ये देखिए। तो चलिए मुरमुरे लेके देके आती हूँ सबको, उसके बाद मैं डिनर का तैयारी करूँगी। तो चलिए यहाँ पे मैं डिनर का तैयारी, मुरमुरे सब कोई खा लिया, मैंने टोस्ट खा लिया था, और यहाँ पे मैं डिनर का तैयारी कर रही हूँ। बड़ा सिंपल सा डिनर बनाऊँगी आज, एक्स्ट्रा कुछ तामझाम करने वाली नहीं हूँ मैं। पत्ता गोभी का सब्जी बनाऊँगी और दाल बनाऊँगी, उसके साथ रोटी बना लूँगी। और पत्ता गोभी का सब्जी मैं पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ, फिर भी मैं कर दे रही हूँ क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएगा कि आपने शेयर नहीं किया। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला,
ऑयल गरम होते ही मैंने डाला साबुत लाल मिर्च, तेज पत्ता और पंचफोरन थोड़ा सा फ्लैटर करने लगा तो ऑनियन डाल दिया। दो चॉप किया हुआ ऑनियन है, इसको थोड़ा सा हमको भूनना है, इतना भूनना है ताकि एक दूसरे से ये ऑनियन खुल जाए, बस उतना तक ही भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। अच्छा, बाय द वे, मैं अभी जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, दोपहर का वक्त है और रोड के सामने घर है, बोल के ना थोड़ा सा साउंड्स आ रहा है, प्लीज़ इग्नोर दिस। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है टमाटर, और टमाटर डालने के साथ साथ ही मैं डाल दूंगी नमक, और नमक डालते ही क्या होता है ना, टमाटर गल जाता है, बहुत जल्दी गल जाता है टमाटर। तो नमक डालने के बाद इसको एक स्टर दे दूंगी ताकि ऑनियन और टमाटर में नमक पूरा कोट हो जाए। और ये करने के बाद मैं लो फ्लेम करके इसको ढक के 5-1 मिनट पका लूँगी ताकि टमाटर गल जाए। मेरा 5-1 मिनट हो चुका है, 10 मिनट के करीब होने जा रहा है, तो देखिए मेरा टमाटर कितना अच्छा से गल गया है और ऑनियन भी अच्छे से पक गया है, मतलब जितना भूनना चाहिए था उतना हो गया। अब मैं मसाले कर दूँगी, बड़ा सिंपल रेसिपी है। हल्दी डालूँगी, 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छा, आप चाहे ना कश्मीरी के जगह तीखा लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ धनिया पाउडर 2 बड़े चम्मच और थोड़ी सी कसूरी मेथी, इतना ही मैंने डाला है इसमें, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाली हूँ मैं इसमें। बस इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के मसालों को अच्छे से पका लेना है हाई फ्लेम में। मसाले पक जाएगा, जितना जल्दी मसाले पकेगा उतना खाना में टेस्ट आएगा। तो बस इस कंसिस्टेंसी में आने के बाद ढक के 10-1 मिनट पका लीजिए ताकि मसाले में जितना मॉइस्चर है सूख के इसका ऑयल रिलीज हो जाए। तो ये देखिए, ये मॉइस्चर सूख गया है पूरी तरह से। अब इसका ऑयल तो रिलीज हुआ नहीं है क्योंकि ऑयल बड़ा कम डाली थी मैं, तो पत्ता गोभी में एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऑयल का ज़रूरत होता है, मैं उससे बहुत ही कम डाली थी। तो चलिए, मेरा यहाँ पे तो मसाले पक गया है पूरी तरह से। अब मैं ना जो पत्ता गोभी कैबेज मतलब मैं कट करके धो के रखी थी, लच्छों में कट की थी मैं, तो ये वाला ना मैं डाल दूंगी इसमें। बस इसको और कुछ नहीं करना है जी, ये अपने आप पकने लगता है, वाटर रिलीज कर देता है और अपने आप ही ये पकता है। इसको सिर्फ मसाले पका के इसको कढ़ाई में चढ़ाना है। हाँ, एक चीज़ आप देखिएगा जरूर कि मसाले आपका कच्चा ना रहे, शुरू में जब आप मसाले भून रहे हैं ना तो मसाले आपका कच्चा नहीं रहना चाहिए जी, बस और कुछ नहीं। बस ये मैंने कर लिया है, पत्ता गोभी को थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी मैं, और कुछ नहीं करना है। और इसको ना मैं ढक के लो फ्लेम में 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए, इसको लो फ्लेम में 15-20 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी, मैं इंडक्शन में इसको चढ़ा दूंगी, तो तब तक मेरा दाल इंडक्शन में बॉयल हो रहा है अभी तक। तो ये देखिए, 15 मिनट के बाद ना ये देखिए पत्ता गोभी किस तरह से ऑयल रिलीज कर दिया है, सॉरी ऑयल नहीं, वाटर रिलीज कर दिया है, और देखिए कैसे कम हो गया है, कितना ज़्यादा डाली थी ना मैं। तो इसको ना हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड मेथड में, जो आप लोग केक बनाते हो ना उस तरह से इसको मिक्स कीजिए, और करने के बाद फिर से 10-1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो इसको मैंने डाल दिया इंडक्शन में, यहाँ पे दाल मेरा रेडी हो चुका है, उसको मैं तड़के लगाने की तैयारी कर रही हूँ। सिंपल सा दाल में तड़का लगाऊंगी, साबुत लाल मिर्च और जीरा का तड़का लगा दूंगी, दैट्स इट। और मस्टर्ड ऑयल में मैं कर रही हूँ, आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है, और थोड़ी बहुत हरी मिर्च भी मैंने डाल दिया इसमें। तो चलिए, दाल मेरा रेडी हो चुका है एकदम। अब इसके साथ गर्मा गर्म चपातियाँ सेक लूँगी और बस सब्जी रेडी हो जाएगा, मेरा डिनर कंप्लीट हो जाएगा बनाना। बहुत ही सिंपल आसान सा मैं डिनर बना रही हूँ आज। तो चलिए, यहाँ पे रोटियाँ मैंने सेक लिया है, इतनी अच्छी, इतने सारे आप बोलोगे ये सबके लिए जी, सब एक एक दो दो करके लेते हैं, बस उतना ही। तो चलिए, मेरा डिनर रेडी हो गया, यहाँ पे डिनर कर ले रहा है। हम लोगों का डिनर हो चुका है, अभी रात का 10 बज रहा है। एक्चुअली मैं किचन का हाल मेरा दिखा रही हूँ, ये देखो किचन का हाल बहुत खराब है, उसको मुझे साफ सफाई करना है। एक्चुअली रेगुलर रात को यही होता है। तो एनीवेज, मैं यहाँ पे आज ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, बारिश अभी थोड़ा सा रुका है। हाँ,
एनीवेज मैं यहाँ पे ब्लॉग को आज एंड कर रही हूँ। ब्लॉग किसी भी पॉइंट पे पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड टू सब्सक्राइब माय ब्लॉग अगर चैनल में नए हो तो। तो चलिए यहाँ पे मैं ब्लॉग को आज एंड करती हूँ। टिल देन टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब विच इज टिप्स ऑन योर इंडियन मॉम विद परमा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। कल मिलते हैं एक फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।